नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर के मकरोनिया से। जी हाँ, दरअसल मकरोनिया में एक निजी अस्पताल प्रबंधन पर बच्चा बदलने का आरोप लगा था। जी हाँ, दरअसल मकरोनिया थाना क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल पर बच्चा बदलने का आरोप लगा है। परिजन ने थाने में शिकायत की थी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि मकरोनिया थाना प्रभारी अनिल सिंह ने जानकारी दी थी कि सेवा हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था, इनमें से एक की मौत हो गई थी और मृत बच्ची को लेकर परिजनों का आरोप था कि वह लड़की नहीं लड़का था, बच्चा बदला गया है। परिजन की शिकायत पर पुलिस की टीम ने अस्पताल पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले हैं, जिसमें जुड़वा बच्चों के फुटेज मिले हैं। जी हां, टीआई अनिल सिंह का कहना है कि परिजन को गलतफहमी हुई है, जुड़वा बच्ची ही जन्मी थी। परिजन के संतुष्टि के लिए इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। डीएनए जांच के लिए बच्चे का सैंपल लिया गया है, माता पिता का भी सैंपल लिया जाएगा और डीएनए जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मामले की हकीकत जो है तभी सामने आएगी। जी हाँ,